आइए और जानकारी लेते हैं युवा साथी जो यहाँ धरना प्रदर्शन करने, इनकी मांगे क्या हैं? आपका नाम? सर मेरा नाम राकेश कुमार है। आप कहाँ से आए? मैं पंजाब से हूँ और ये जो एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ और सारा ऑर्गेनाइजर हमारी ही देख रेख में हो रहा है और आज हम दो दिन से डटे हुए हैं, कोई भी मंत्री हमारी सार लेने नहीं आ रहा है। जंतर मंतर सिर्फ एक चीखने और चिल्लाने की रह गया है। युवा हम लोगों के गले बैठ गए हैं कि हमारी आवाज़ संसद तक जाए। एक बार बार स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे जो नारे दिए जा रहे हैं, सिर्फ एक भोली भाली जनता को लुभावना लुभावा गुब्बारा दिखाया जा रहा है, लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और एक यहाँ दो दिनों से चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि हमें रोजगार दो, जो हमारा राइट है। रेलवे एक का एक इतिहास है कि अभी तक एक भी अप्रेंटिस किया हुआ बेरोजगार नहीं है, मगर इस मोदी गवर्नमेंट के समय हम लोगों को ये बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। इस मोदी गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े वादे किए हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। दो सालों से हम लोग लगातार इस जंतर मंतर की भूमि पर आए दिनों आ रहे हैं। ये हमारा तीसरा धरना है। 5 दिसंबर को, 30 और 31 जनवरी को हम लोग धरना दे चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, मगर सरकार ने हमारे साथ हमेशा नाइंसाफी की है। रेलवे बोर्ड ने एक 20% का हमें आरक्षण दे दिया जो निराधार है हमारे लिए। जब हम सब कुछ हो चुका है, हमारा टेस्ट हो चुका है, फिजिकल टेस्ट हो चुका है, हमें सिर्फ नौकरी पर जाना बाकी है, सरकार फिर भी हमें बोलते हैं कि दोबारा से परीक्षा दो। ये कहाँ का नियम है? और संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्किल्ड लोगों के लिए, कुशल कारीगरों के लिए बार बार परीक्षा का प्रावधान कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। एक तरफ रेलवे अप्रेंटिस कराती है, उसी सब्जेक्ट से कराती है, उसी ट्रेड से कराती है, उसके बाद में ये कहते हैं कि एग्जाम देना है, तो वो ट्रेनिंग और एग्जाम में क्या अंतर है? सर हम पहले तो 10वीं पास करते हैं, उसके बाद 2 साल का ITI करते हैं, उसके बाद 1 साल 2 साल की अप्रेंटिस होती है, उसके बाद एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद सब लोग पास आउट होते हैं। जितने भी यहाँ बच्चे, इनके पास पास आउट होने के बाद सर्टिफिकेट आया हुआ है कि भाई ये लड़के स्किल्ड है, और प्रमाण पत्र हमारा जो जितना भी बच्चे आए हुए उनका सबके पास प्रमाण पत्र है। और प्रमाण पत्र आने के बाद, और संविधान में इस तरह से लिखा है कि एक बार जिस आदमी की एग्जाम हो जाती है वो दोबारा एग्जाम नहीं देता है, सबसे पहली बात। और यहाँ तक जितने रेल मंत्री आए, जितने भी जिन्होंने रेल मंत्री पद भोगा है, उन्होंने सबको अप्रेंटिसशिप को प्राधान्य दिया है। उसके बाद सुरेश प्रभु जी ने रेल मंत्री पद जिस दिन से हाथ में लिया है, उसके बाद 21/6/2016 से इन्होंने 20% लागू किया है। इस 20% से लागू होने के वजह से ये लोगों, ये जिस जो जो भी इनसे सांसद मिलता है ये उसको पटाके देते हैं कि 20% बहुत अच्छा है, 20%, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 20% जिस दिन से आया उस दिन से सारे बच्चों को और सारे बच्चों के शिक्षकों को फांसी लगवा दी है इन्होंने। क्योंकि 20% जब बच्चे ले गए, पहले तो हम इसके हकदार नहीं है क्योंकि हमारे पास पास आउट है, हम एग्जाम दे चुके हैं और हम पास आउट है, हम डबल एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि संविधान में किधर ही नहीं लिखा है कि एक बार एग्जाम दिए जाए तो दूसरी बार भी देना चाहिए। तब तो तुम बोलेंगे कि भाई ग्रेजुएशन हो जाओ, डबल एग्जाम दो, ये कहा की रणनीति है? ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार जिस इंसान ने एग्जाम दे दिया, उसका प्रमाण पत्र आ गया, पास आउट सर्टिफिकेट आ गया, वो एग्जाम डबल नहीं दे सकता है, सबसे पहली बात। और जितने भी रेल मंत्री हुए भारत में, उन्होंने सबने रेलवे अप्रेंटिस को प्राधान्य दिया, 100% प्राधान्य दिया है। और दूसरी बात, सुरेश प्रभु जी बोलते 20% इज गुड, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये झूठ बात है। क्योंकि 20% में जब 20% में हजार लड़के एग्जाम देंगे, उसमें सिर्फ 200 लड़के पास होंगे, 800 कहाँ जाएंगे फिर? और अभी तक सेंट्रल रेलवे साउथ, अपने सेंट्रल रेलवे गोरखपुर और अंबाला में अप्रेंटिसों को नौकरी दी गई है, फिर बाकी के बच्चों को क्यों नहीं नौकरी दे रहे? तबकि सेफ्टी वैकेंसी की 2.5 लाख वैकेंसी खाली है और हम सिर्फ 20,000 बच्चे बचे हुए हैं अभी तक। तो 20,000 बच्चे हर सेक्शन में किधर ना किधर तो आराम से और इन एक्सीजेंसी भर्ती सेटलमेंट में, वन टाइम सेटलमेंट में ये काम चुटकी बजा के हो सकता है, चुटकी बजा के लड़कों को नौकरी मिल जा सकती है। फिर क्यों नहीं मिल रही है हमें नौकरी साहब? इसका आंसर हम मांग रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी होने के बाद नौकरी नहीं, मतलब ये कहा का है? और आप आराम, और जब जितने हमें एक्ट अप्रेंटिस बच्चे हैं, इनका ज्वाइनिंग सिर्फ 22 रुपये में होता है सब, मैं तुमको बताना चाहता हूँ। और आरासी का जब वैकेंसी होता है, सरकार को इसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, एक लड़के के पीछे 55,000 रुपये खर्च करना पड़ते हैं, और 1 लाख की वैकेंसी के भी आ गई तो उसके पीछे अब जो खर्चा करना पड़ेंगे, और हमारे 20,000 लड़कों के पीछे सिर्फ 22 रुपये टिकट, एक लड़के के पीछे 22 रुपये का एक मेडिकल मेमो होता है, खर्चा होता है। यानी सरकार स्किल वर्कर को नहीं लेना चाहती है, मतलब उन्हें लेना चाहती है जिनको 6 महीना 1 साल की ट्रेनिंग लेना चाहती है। तो एक लड़के के पीछे 55,000 रुपये खर्च, पहली बात। दूसरी बात, मतलब जब रेलवे में जब उसकी नियुक्ति होती है, उसके बाद वो स्किल्ड वर्कर नहीं होता है, उसको 6 महीना की ट्रेनिंग देती है, 1 महीना के लिए उसको 30,000 सैलरी दी जाती है, 30,000 या शायद 25,000 रुपये सैलरी दी जाती है, तो उसको स्किल्ड कर, और हम सिर्फ 2200 में काम करते हैं और वो 25,000 में काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है।
बराबर साहब, ये अन्याय नहीं तो क्या है। इस नौकरी पे हमारा हक बनता है क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारी माँ बहन, हमारी सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। क्योंकि मैं आज घर में बड़ा हूँ, मेरी एक बहन भी है घर में, मैं मेरी शादी हो चुकी है, मेरे को 2.5 साल का बच्चा है एक, इसकी जवाबदारी मेरे ऊपर है। ये नौकरी नहीं मिलेंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। आज मैं तुमको एक सवाल पूछता हूँ साहब कि आपकी आपकी कंपनी समझ लो और आप हम रेलवे अप्रेंटिस है, हम आपके पास इंटरव्यू देने जाएंगे, आप क्या बोलेंगे, आपने क्या किया है? हम बोलेंगे हमने रेल अप्रेंटिस किया है, हम कुशल कारीगर है, 2 साल 1 साल की ट्रेनिंग की है हमने। बराबर भाई, तुमने रेल अप्रेंटिस किया है, मेरे कंपनी में तो रेलवे का काम होता नहीं है, मैं तुमको जॉब नहीं दे सकता हूँ, फिर हम कहाँ जाएंगे साहब? बोला कहाँ जाएंगे हम? रूडी साहब बोलते हैं इन्हें नौकरी देने का कोई अधिकार नहीं। आज तक जितने भी रेल मंत्री बने, इन्होंने 40,000 रोजगारों को, अप्रेंटिसों को नौकरी दी है रेल क्षेत्र में, ताकि कोली लोगों को भी परमानेंट कर दिया है अभी तक। फिर हमें लेने में क्या दिक्कत है इन्हें साहब, ये बताओ मुझे। हमारा हक बनता है इस नौकरी पे, इसमें ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है साहब, किसी को माँ नहीं है, किसी को बहन नहीं है, किसी को बाप नहीं है, किसी को माँ नहीं है साहब। उस बच्चे का इस नौकरी से बहुत आशा है, क्योंकि इस नौकरी मिलेगी तो हमारे घर का हमारा जो परिवार है साहब वो पूरा सुखी हो जाएगा। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो साहब ये बहुत दुखद घटना हो जाएगी साहब, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। मैं सरकार से एक ही दरख्वास्त करता हूँ, हमारे से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, ना कि RRC से फ़ायदा है, सिर्फ एक्ट अप्रेंटिस से ही फ़ायदा है और सब बच्चे स्किल वर्कर है। आप RRC को लेते हैं वो, एक मिनट, आप RRC को लेते हैं वो बच्चे ट्रेन नहीं होते, दुर्घटना होती है। हम लोग सब ट्रेन होते हैं, एक और प्राइवेटेशन को चलते समय वो लोग 3,000-6,000 में काम करते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। हम जब काम करते हैं परमानेंट होने के बाद, एक्ट अप्रेंटिस लोग जब भी परमानेंट होते हैं, जब काम करते तो ये उसका पूरा जाँच करते हैं, वो काम सही से हो रहा है, ढंग से हो रहा है। प्राइवेटेशन ये वाला नहीं करेगा, उसको तो सैलरी मिल रही है, वो जा रहा है 3,000-4,000 लेके। लेकिन हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है साहब रेलवे में नियुक्ति करने के बाद, हम बहुत अच्छे से काम करेंगे और हम सरकार को आशा दिलाते कि हमें नौकरी दी जाए साहब। बस हम नरेंद्र मोदी जी से आशा करते हैं साहब, आपने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हमारे माँ बाप, हमारे सबके लाज, एक्ट अप्रेंटिस वालों के लाज आपके हाथ में साहब, हमारा काम कर दीजिए, हम पहले बहुत परेशान हैं। सभी की यही मांग है, आंखों में आंसू देखने में आ रहे हैं युवा साथियों का, और हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, सुरेश प्रभु जी, रेल मंत्री जी, हमारी बात को सुन लो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, और जिनके माँ बाप भी हैं उनका सारा दामोदार उनके ऊपर है। आइए और जानकारी लेते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, उसके बावजूद आप यहाँ धरने पर बैठे हैं। सर वैसे तो हम बता देना चाहिए कि हम मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से ही बिलोंग करते हैं, और हमने वोटिंग के टाइम में मोदी जी को वोट भी दिया था। लेकिन जो ये सबका साथ और सबका विकास का बात कह रहे हैं, और ये गवर्नमेंट जो बार बार एक चीज़ कहती है कि न हम परिवारवाद देखते हैं, न जातिवाद देखते हैं, न धर्मवाद देखते हैं, हम भारत को वन रैंक वन टैक्स वन फ्री वगैरह वगैरह जो ये अपना स्टेटमेंट देते हैं, उस बात पे मैं कहना चाहूँगा, बस इनसे ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि हम अप्रेंटिसों को ये नौकरी क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि ये RRC से जिन 10th पास लड़कों को ये सेलेक्ट कर ले जाते हैं, उनको भी वो उस ट्रेनिंग सेंटर में वही इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग देता है जो हम अप्रेंटिसों को देता है, और उनको उस ट्रेनिंग के पीरियड में उनको 12,500 से 15,000 रुपये सरकार बतौर महीने तनख्वाह देती है, और मुझे 1970 पे स्टाइपेंड पे हम लोगों को खटाइए, पूरे दिन 8 घंटे की ड्यूटी कराइए। तो मैं इस गवर्नमेंट से केवल इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि आप, हम 1970 वालों को नौकरी नहीं दे रहे, वही इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग हमको भी दे दिया, उनको भी दे दिया, हम अनस्किल्ड हो गए, हमको मतलब आप स्किल्ड बना रहे हो और उनको रोजगार दे रहे हो, ये कौन सा नियम है और ये कौन सा वाद आप कर रहे हो, परिवारवाद कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और मेरी मोदी जी से दरख्वास्त है कि आप यार जब अपने संसदीय क्षेत्र में जहाँ से आप संसद चुनकर हो, वहां के लड़कों को बेरोजगार दे सकते हो, तो आप पूरे भारत का कभी विकास नहीं कर सकते हो। यह मेरा दावा है कि आप पूरे भारत का कभी विकास नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम उनको वोट दिए हैं, हम उनको चुनाव में जिताए हैं, और वो हमारे साथ ही विश्वासघात कर बैठे हुए हैं। आज तक बनारस में उन्होंने एक भी लड़के को रोजगार नहीं दिया है, पूरे 3 साल के कार्यकाल में 1 लाख लड़कों को उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिली उनके गवर्नमेंट में, और बनारस से एक भी लड़के को नहीं मिली है।
ठीक है। और मैं अप्रेंटिसों की ये समस्या देखकर भाई लोगों ने विगत कराया, आपको सूचित कराया है कि हम लोगों के साथ शादी मैरिड है, हम लोगों की तकलीफ बहुत है, हम लोग के घर में पापा मम्मी हम लोगों से डिस्टर्ब हैं क्योंकि हम लोग बेरोजगार एकदम पड़े हुए हैं और कोई रोजगार हम लोगों के पास नहीं है। तो हम लोग इतनी शर्मिंदगी हो रही कि हम अपने माँ बाप के सामने भी जाने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो मेरा भी निवेदन है सरकार गवर्नमेंट से, रेल मंत्रालय से, कि हम लोगों को डबल स्किल्ड होने के नाते ध्यान देकर हम लोगों को रोजगार देने का कार्य करें। धन्यवाद। जितेंद्र कुमार साहू, मैं जिस प्रकार सभी देशों में भारत को भारत माता बोलते हैं, उसी प्रकार हमारे भारत वर्ष में सिर्फ छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ महतारी कहा जाता है। और आप सभी को पता होगा कि महतारी का काम क्या होता है, माता का काम क्या होता है, वो अपना सारा प्यार लुटा देती है। उसी प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जोन है जो रेलवे को सर्वाधिक राजस्व आय देता है, किंतु हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम 2010-11 से बैठे हैं, आज 8 साल हो गया, और जो सर्वाधिक राजस्व देने वाला बिलासपुर जोन है छत्तीसगढ़ है, उसके स्किल्ड लड़कों के केवल 650 लड़के हैं। उन 650 लड़कों को 8 साल हो गए नौकरी नहीं दिया है। हम लगातार बिलासपुर, रायपुर, सभी जगह धरना प्रदर्शन किया, यहाँ तक हमने हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री को 3 बार जनदर्शन में गया, फिर भी हम तो कुछ आज तक कुछ नहीं मिला। और सर्वाधिक आय देता है बिलासपुर, इसके बाद भी अन्याय हो रहा है। और माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी के गृह राज्य महाराष्ट्र के 699 लड़कों को नौकरी दिया है 2016 में, और हमारे 650 लड़के को जो सबसे ज़्यादा कमाई करके देता है रेलवे को, वहाँ के लड़कों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। आपका नाम? नागेंद्र प्रसाद है, सिकंदराबाद चौक से, सिकंदराबाद तिरुपति एक्ट अप्रेंटिस तिरुपति से। क्या मांगे हैं आपके, क्या मांग लेके आए हैं आप? इपड़ తెలుగు బాత్ కరచ్ తెలుగు తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఓకే సార్ మేము యాక్ట్ అప్రెంటిస్ తరపున సికింద్రాబాద్ జోన్లో 600 మంది ఉన్నాం, 600 మందికి గాను ఇంతవరకు 5 ఏళ్లుగా మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం, 20% అనేది ఇచ్చారు ఓపెన్ మార్కెట్ ద్వారా 20%, 20%లో మేము 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యి, ఐటీఐ పాస్ అయ్యి, ఎన్ఎస్సి అప్రెంటిస్ పాస్ అయ్యి మేము కేవలం 800 రూపాయలతో 800 రూపీస్తో మేము అప్రెంటిస్ చేసి 8 గంటలు పనిచేసి మేము రిలీవ్ అయ్యి బయటకు వస్తే 5 ఏళ్లుగా వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఈలోగా మీరు 20% అనేది ఇచ్చారు, 20% అనేది ఎంతమంది ఓపెన్ మార్కెట్లో మాకు ఇది సమంజసం కాదు. ఎందుకంటే 35 ఏళ్ళు వయసు దాటిపోయింది, 35 ఏళ్ళు వయసు దాటిపోయి మీరు మాకు రెగ్యులరైజ్ చేస్తారని వేచి చూసి చాలా వరకు వేచి చూసాము. సో దయచేసి నరేంద్ర మోడీ గారికి చేతులు ఎత్తి మొక్కుతున్నాము. మేము సికింద్రాబాద్ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడుకి కూడా మెమరాండం అందజేశాము. చాలామంది 100 మంది సూసైడ్, ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో 18,000 మందిలో 100 మంది సూసైడ్ కూడా చేసుకున్నారు. సో దయచేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రెగ్యులరైజ్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నా సికింద్రాబాద్ నుంచి. థ్యాంక్ యూ.